में आपका स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में हम शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक हृदय का महत्व समझेंगे, साथ ही रक्त संचार और रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों का महत्व भी समझेंगे। हृदय हमारे बंद मुट्ठी के जितना मसल से बना एक अंग है। ये छाती के भीतर थोड़ा बाई तरफ स्थित होता है। हृदय 24 घंटे व साल के 365 दिन कार्य करते रहता है। हृदय ही एक ऐसा अंग है जिसे हमें जीवित रखने के लिए हर समय कार्य करना पड़ता है। ये रक्त वाहिनियों के सहायता से पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है। इसके लिए हृदय हर समय फैलता तथा सिकुड़ता रहता है। हृदय के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ये आवश्यक है कि हमारे रक्त में अत्यधिक हानिकारक कोलेस्ट्रॉल ना हो और रक्त में घुली फैट्स की मात्रा सामान्य से अधिक ना हो। रक्त में घुली आवश्यकता से अधिक फैट्स रक्त वाहिनियों की अंदरूनी दीवारों पर जमने लगती है। ये रक्त प्रवाह को अवरुद्ध करती है। सामान्य रक्त प्रवाह के लिए ये जरूरी है कि रक्त वाहिनियां लचीली हो और हृदय के फैलने और सिकुड़ने के साथ उनका तालमेल सही हो। उम्र के साथ फैट्स के जमाव के कारण कुछ आवश्यक पोषक तत्वों की कमी और हानिकारक फ्री रेडिकल्स के दुष्प्रभावों से रक्त वाहिनियां कड़ी होने लगती है। कड़ी और लगातार संकरी होती रक्त वाहिनियों में रक्त प्रवाह को बनाए रखने के लिए हृदय को अधिक जोर लगाना पड़ता है, जिससे रक्तचाप या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इससे हृदय थकने लगता है। ऐसी स्थिति के लंबे समय तक बने रहने से हम हृदय रोग और लकवा जैसी प्राण घातक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। हृदय की खुद की रक्त वाहिनियों में बढ़ते कोलेस्ट्रॉल और रक्त में घुली फैट्स की अधिकता से हृदय के लगातार धड़कने के लिए आवश्यक रक्त प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता है। इससे हृदय क्षतिग्रस्त होने लगता है। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हृदय की धमनियों में रक्त के थक्के नहीं बनने चाहिए, क्योंकि ये हृदय के गंभीर रोगों का कारण बन सकता है। हमारी रक्त वाहिनियों में लगातार बढ़ता इन्फ्लेमेशन भी बढ़ते कोलेस्ट्रॉल और फैट्स के साथ मिलकर कई गंभीर बीमारियों जैसे स्ट्रोक, लकवा, किडनी फेलियर और आंखों की क्षति आदि को जन्म देता है। हृदय के स्वास्थ्य के लिए ये भी जरूरी है कि रक्त में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बनी रहे। ज्यादातर लोगों में व्यायाम न करने, अत्यधिक फैट के सेवन और पोषण की कमी से अच्छा कोलेस्ट्रॉल घट जाता है और बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अब बात करते हैं त्वचा की। ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा हमारे शरीर का सुरक्षात्मक कवच है। स्वस्थ और सुंदर त्वचा हमें संक्रमण से बचाने, स्वस्थ और सुंदर दिखने और आत्मविश्वास के लिए जरूरी है। बढ़ते प्रदूषण, तेज धूप, विषैले तत्व, हानिकारक फ्री रेडिकल्स का शरीर में प्रवेश, पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी, इन सब कारणों से हमारी त्वचा की नमी, लचीलापन और चमक घट जाती है। हमारी त्वचा सूखी, बेजान व झुर्रीदार होने लगती है। उचित पोषक तत्वों के मदद से, एंटीऑक्सीडेंट्स के सेवन से और सही देखभाल से हम अपनी त्वचा को स्वस्थ और सुंदर बनाए रख सकते हैं। अब बात करते हैं बालों की। हमारे बालों की चमक, घनापन, गहरा रंग और मजबूती भी हानिकारक प्रदूषण और फ्री रेडिकल से बचाव और अच्छे पोषण के कारण ही संभव है। हमारी आंखों के स्वस्थ रहने और दृष्टि को सही रखने के लिए भी पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट्स का पर्याप्त सेवन जरूरी है। उम्र बढ़ने के साथ और
कुछ विशिष्ट पोषक तत्वों के कमी के कारण हमारी मानसिक कार्यक्षमता और याददाश्त भी घटने लगती है। हमारे शरीर की हड्डियों और जोड़ों के स्वस्थ रहने से ही हम आसानी से चल फिर सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, भाग दौड़ कर सकते हैं और सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। व्यायाम के साथ साथ विभिन्न पोषक तत्वों, एंटीऑक्सीडेंट्स और विशिष्ट न्यूट्रिएंट्स के पर्याप्त सेवन द्वारा हम मजबूत जोड़ों और हड्डियों के साथ एक लंबा, स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकते हैं। आइए अब प्रश्न और उनके उत्तर दोहरा ले। प्रश्न: हृदय के स्वास्थ्य के लिए क्या क्या आवश्यक है? उत्तर: हृदय के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, एक, हृदय को सभी जरूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिले, दो, कोलेस्ट्रॉल और रक्त में घुली फैट सामान्य से अधिक ना हो, तीन, रक्त वाहिनियां लचीली रहे और उनमें इन्फ्लेमेशन ना हो। तो न्यूट्रिशन की मदद से आप स्वस्थ रहिए और अपने आसपास के सभी लोगों को स्वस्थ रखिए। धन्यवाद।